हेलो एवरीवन, एमके फाइबर नेट सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं टीपी लिंक का ईसी 220 जी फाइव राउटर को क्विक सेटअप से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब ब्राउजर पेज जो इसका डिफॉल्ट आईपी है वो टाइप करना है। इसका डिफॉल्ट आईपी है 192.168.0.1 और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज आते ही यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना। तो मैं पासवर्ड डालने जा रहा हूँ admin@123। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ऐसा डालना कि आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करो तो आपको ये याद रहे, और ऐसा डालना कि आपके अलावा किसी और को मालूम ना हो। तो यहाँ से सेव करके देख सकते हैं। ये डालने के बाद लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आपके सामने क्विक सेटअप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्विक सेटअप स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें टाइम जोन सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा टाइम है 5:30, यानी न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ये इसमें आपको ढूंढना होगा। सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे 5:30 लिखा होगा वहां से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, इसको सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट करते ही आपको नेक्स्ट करना होगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कनेक्शन टाइप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 5 कनेक्शन टाइप है। एक डायनेमिक आईपी है, एक स्टैटिक आईपी है, एक PPOE है, एक L2TP है, एक PPTP है। तो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है PPOE, यानी यूजर नेम पासवर्ड डाल के कॉन्फ़िगरेशन करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो यूजर नेम test@12, ये मेरा यूजर नेम है और इसका पासवर्ड मैं डालने जा रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद सेकेंडरी कनेक्शन पूछा जा रहा है। तो सेकेंडरी कनेक्शन मेरा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे नन करना होगा। नन करते ही नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वायरलेस सेटिंग करना होता है। तो वायरलेस सेटिंग करने में ये हमारा 2.4G एंड 5G दो मॉडल के राउटर हैं, तो दोनों को सेट करना होता है। तो ये 5G है, ये 2.4G है, दोनों को कंबाइन करके चलाना है। तो बैंड स्ट्रिंग को इनेबल करना होता है, तो दोनों 2.4G एंड 5G दोनों कंबाइन हो जाएगा और यहाँ से आपका सिग्नल एक ही शो करेगा। तो इसको हटाकर आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, तो मैं सेपरेट सेपरेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एमके फाइबर नेट _2.4G मैंने ये रख दिया। उसके बाद पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने MK@123456 रखा। एंड 5G का भी सेम सेटिंग करना होता है। 5G का नाम रख दिया MK Fibernet_5G। और पासवर्ड भी मैंने रख दिया MK@123456। पासवर्ड और नाम सेट करने के बाद इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये अप्लाई हो जाएगा और कनेक्शन का ये अब चेकिंग हो रहा है कि हमारा जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था
हमने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था वो सर्वर से कनेक्ट हुआ है या नहीं। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो सक्सेस लिखकर आएगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ट्राई अगेन लिखकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ट्राई अगेन लिखकर आ गया, यानी नो इंटरनेट कनेक्शन। तो फिर से मैं ट्राई अगेन कर लेता हूँ। कभी कभी हो जाता है कि सर्वर से रिच नहीं होने की वजह से ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है। तो जैसे ही मैंने ट्राई अगेन किया फिर से ये अप्लाई होने लगा है। कुछ सेकंड लगता है तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस लिखकर आ गया है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो चुका है। अब यहाँ हो जाने के बाद फिनिश पे क्लिक करना होता है, यानी नेक्स्ट, यानी फिनिश पे क्लिक करना होता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ये हमारा राउटर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। और यहाँ से हमें ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या क्लाउड टिपलिंग के क्लाउड पे हमें अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, तो नहीं बनाना है, तो मैंने स्किप कर दिया और ये कनेक्टिविटी हो चुका है। तो इस तरह से हम टिपलिंग के राउटर को EC220 को कन्फिगर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी नया क्यूरी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।